जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मिस्टर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? तो मैं सुबह सुबह अभी उठा था तो गाड़ी लेने आ गया था। आपको पता है कल की गाड़ी ख़राब थी, तो ये देखिए हमारी गाड़ी खड़ी है। अब उन्होंने कहा हमने बना दिया, मैं अंदर जाके इसे चेक करता हूँ, स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं। तो आपसे सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश है, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो। गाड़ी भी आज सुबह ख़राब हो गई थी, तो उसका वो सामान है ना, वो देखते हैं जाके, फिर आपसे बात करते हैं। ठीक है जी? मैंने कहा आपको बता दूँ, मैंने गाड़ी लिया लेने गया हूँ भाई अपनी, ठीक है? तो मैंने गाड़ी स्टार्ट करते हैं, थोड़ी गर्म होती है और मैं इसका पानी वगैरह चेक करता हूँ। हाँ जी जी, तो गाड़ी हमने ले ली है, चाचू शेख मेरे साथ हैं, अब जाना है चाचू शेख की गाड़ी का सामान लेने, और उसके बाद इसका थोड़ा इलेक्ट्रिशियन का काम है मेरे वाली गाड़ी का, वो जाके करवाते हैं। इसका कुछ सेंसर का मसला आ रहा है, वो जाके सेट करवाते हैं। अभी जा रहे हैं चाचू शेख की गाड़ी का सामान लेते हैं, फिर जाएंगे चाचू शेख की गाड़ी का सामान वगैरह देके फिर इसका सेंसर वगैरह करवाएंगे, फिर मुझे एक दो काम है वो करते हैं, और साथ साथ आपको अपडेट देते रहेंगे थोड़ी थोड़ी। अभी आज चाचू तो जाएंगे नहीं, फिर छुट्टी करेंगे, हो सकता है हम कहीं निकल भी जाएँ, कोई पता नहीं, कोई खाना खुना खाने कहीं ना कहीं निकल ही जाएँ हम बाहर। तो चले चलते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ से चाचू की गाड़ी का सामान लेना। फिर आपसे जी जी वेलकम बैक। तो गाड़ी मैंने आके दे दी थी उधर इलेक्ट्रिशियन को, वो गाड़ी सेटिंग कर रहा है, थोड़ी बहुत उसका इलेक्ट्रिशियन का कोई लाइट का मसला हो गया था, तो एक सेंसर ख़राब था, वो चेंज कर रहे हैं। तो मुझे अब चाहिए थे पैसे ऑफिस के लिए, और गाड़ी वाले को भी कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, आपको पता है, तो इसलिए मैं आया हूँ, यहाँ पर जा रहा हूँ पैदल ही। पास में एक स्टोर है, वहाँ पे है एटीएम मशीन, वहाँ से जाकर पैसे निकालते हैं, पैसे निकाल के फिर वापस आते हैं। तो चलते हैं एटीएम मशीन से पैसे निकालते हैं। ये हमारे साथ है पीछे सुल्तान सेंटर, मैं उधर आया हूँ सुल्तान सेंटर से पैसे लेते हैं, चलता हूँ अंदर फिर आप। हाँ जी, तो वो वाली मशीन ख़राब थी शायद, अब हम आ रहे थे, ये भी टैब खेलते हैं, चलते हैं इसमें भी कार्ड डालने को। जो वो वाली जो मशीन थी वो टैब पे चल जाती थी, ये टैब नहीं चल रही, कार्ड हमारा टैब वाला था। और सॉरी एट दिस टाइम, उसने भी जवाब। अब हम चलते हैं वापस, और बैंक जाएंगे, इधर दोनों में पैसे नहीं मिले, टीम तो प्रॉब्लम है, अभी चलते हैं। ठीक, मैंने एक टैब देखना है, मैं वो टैब देखने जा के चलता हूँ, अभी साइड में जाकर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये है जी सुल्तान सेंटर, ये देखिए कितना बड़ा स्टोर है, हर चीज़ मिलती है यहाँ से, देखें जी बैग्स 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 बैग्स। तो हमने जाना है साइड के अंदर, तो इधर आ गए, हमने देखने टैब्स, तो मुझे लगता है इनकी इस बनाज में टैब है ही नहीं, आई होप सो, क्योंकि मुझे नज़र नहीं आ रहा। इधर होता तो फिर पता लग जाता, पता नहीं, ये पावर बैंक है, ये पावर बैंक लेते हैं, किसी ने मुझे कहा था, तो चलो आ तो वैसे ही, ये पावर बैंक लेना था, ये ले लेता हूँ इसमें, एंड ये टैब्स, जी टैब, जी टैब, टैब्स, टैबलेट, टैबलेट, यस सर, एंड्रॉइड, यस एंड्रॉइड। अभी हम जा रहे हैं इस भाई के साथ, इस सेल्समैन आए हैं साइड पे, उनके साथ हम जा रहे हैं टैब, जो किसी ने चाचू में मेरे उन्होंने कहा है वो चेक करने, ओके थैंक यू, ओके ओके। जो मैंने लेना है वो इधर है ही नहीं, आई होप सो, कोकटो को 3 GB रैम, मैंने लेने थे जी टैप के, और जी टैप इधर नहीं है, इधर एप्पल है, सैमसंग है, और ये वाला। तो अभी सिर्फ हम फिर वो लेते हैं, क्या नाम होता है,
पावर बैंक और चलते हैं वापस, फिर देखेंगे आके किसी और शॉप से जा कर देखेंगे। ओके, तो मैं ज़रा ये बिल वगैरह करूँ फिर आपसे। हाँ जी जी, ये देखिए गाड़ी हो गई है ठीक। हाँ, हूँ जल गई। ये नाइस, ये चौधरी अबू बकर साहब ने बनाई है गाड़ी, कौन है व्लॉग। तो अभी हम ये गाड़ी यहाँ से लेके जा रहे हैं, गाड़ी में बैठते हैं फिर आपके पास। हाँ जी जी, ये देखिए एक बटन लगाना था तो ये आप लगा रहे हैं। बाकी काम तो इन्होंने कर दिया था लाइट वगैरह का, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी ठीक हो गई है। ये बटन वगैरह लगवाते हैं फिर मैंने अब बताया आपको जाना है एटीएम। तो ये बटन वगैरह लगवा के यहाँ से फ्री हो के फिर मिलते हैं आपसे। ओके जी, तो गाड़ी बन गई है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। अब मैं जा रहा हूँ, एक तो ना गाड़ी में डलवाना है पेट्रोल। ये देखिए वो लास्ट सोई पे चल रहा है, लास्ट उस पर जाके पहले पेट्रोल, पहले पैसे निकलवाता हूँ ठीक है, फिर जाके पेट्रोल डलवाता हूँ इसमें। तो पेट्रोल डलवा के अब ना मैं हो जाऊँगा मसरूफ, बहुत काम है क्योंकि गाड़ी नहीं थी कल से, और दो जो कल के और आज के काम है वो रुके हुए हैं। अब सारे काम वगैरह ख़त्म करके फिर आपसे मिलूँगा ठीक है। फिर अभी हम चलते हैं बैंक से पैसे निकलवाते हैं, फिर पेट्रोल पम्प जाएंगे, वहाँ पे पेट्रोल डलवाते हैं ठीक है। चलते हैं बैंक में, आपसे आपको दिखाता हूँ। हाँ जी जी, हम आ गए बैंक के भाई, अभी बैंक चलते जा रहे हैं, चलते हैं अंदर और जाके एटीएम करते हैं जी ठीक है। तो रकम निकलवाएं 400 KAD तस्दीक नहीं चाहिए, अब हमें ये देगी पैसे यहाँ से। ये हमने ले लिए पैसे। हाँ जी जी, तो हमने 400 दिनार लेना था वो हमने ले लिया, अब हम जा रहे हैं काम है, एक तो चलते हैं पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ी में, इधर से पेट्रोल पम्प 1.5 किलोमीटर दूर है, चलते हैं पेट्रोल डलवा के फिर मैं करूँगा अपने सारे काम सर ठीक है जी। पेट्रोल पम्प पे चलते हैं, हम आ गए हैं पेट्रोल पम्प पे, यहाँ पे हमने डलवाना है पेट्रोल। तो ये वाली मशीन ख़राब हुई पड़ी है मुझे लगता है, इस मशीन पर खड़ा होना पड़ेगा, ये आगे वाली गाड़ी पेट्रोल डलवा लेगी फिर आएगी हमारी बारी। तो जब तक हमारी बारी आती है तब तक वेट करते हैं, पता नहीं अब इसने फुल करवानी होगी क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर टंकी फुल करवाते हैं, ये नहीं होता भाई कम डलवाया भाई, जैसे पाकिस्तान में 1000 का डलवाना 2000 कैसा नहीं होगा, इसने पूरी ही फुल टंकी करवानी है ठीक है। तो अब देखें, आजकल भी यहाँ पे ऐसे ही चल रहा है, बट ये अभी मैंने रखा हुआ है 25 पे, तो ये चल रहा है। तो अभी माशाल्लाह गाड़ी ठीक हो गई है अच्छी खासी ठीक है, तो चलें पेट्रोल पम्प डलवा के फिर मैं चलता हूँ, मैंने जो काम करना वो करते हैं, फिर अगर कहीं बाहर निकले तो आपसे मुलाकात होगी अगर शॉपिंग के लिए आज गए तो, फिर देखते हैं जो भी है आपको शाम को। जी जी, तो हम आए हुए इधर कारफोर में, हमने लेनी थी फ़िश थोड़ी सी क्योंकि इस दफ़ा जुमे रात को हमने बनानी है फ़िश, तो हम कारफोर में फ़िश लेने आए हुए थे रोहू तुर्की की। तो अभी जा रहे हैं फ़िश वाली शॉप पर, देखते हैं वहाँ पर फ़िश मिलती है कि नहीं, चलते हैं आपको भी दिखाते हैं फिश। शेख मेरे साथ हैं एज यूजुअल, हम कल भी आए थे वैसे इधर, लेकिन कल वीडियो नहीं बना पाया था मैं भाई, जब बस जल्दी में थे तो इसलिए। तो भी दिखाता हूँ आपको वो सामने फिश की, वो आ गई है मेरे, ये फिश का स्टॉल है, हम यहाँ से लेंगे कुछ और हो गई देखो माशाल्लाह, हमने वहाँ से रो लेने ऊपर वाले हम ये ले लें वगैरह। हाँ जी जी, ये देखिए हम अब फिश को लगाने के लिए चीज़ें वगैरह यहाँ से ले रहे हैं। तो अभी हमने ये बेसन लिया है चाचू, ऐसे देखो सोया सॉस होएगा किधर, छोटी बोतल ही ले लो बस, हमने इधर से अब लेना है सोया सॉस, सोया सॉस किधर गया किधर गया, इतने पे आना चाचू अगले।
चिली सॉस बिना सुनने भी नहीं है यार, किधर है सोया सॉस? तो पढ़ना ही पैना है, नज़र तो नहीं आ रहा। स्वीट चिली सॉस केड़ा? नहीं है, नहीं है, नहीं तो कोई और। भी नहीं है स्वीट चिली सॉस, मशरूम सॉस, ऑल पर्पस सरसा। ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਲੇ ਕਿਹੜਾ? ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਇਆ ਸੌਸ, ਉਹ ਫਿਸ਼ ਪਰਪਸ ਸੌਸ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ ਵੈਸੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹਮਨੇ ਸੋਇਆ ਸੌਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਚਲੇ ਆਪ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚਲਦੇ ਫਿਰ ਆਪ ਤੋਂ। ਹਮ ਆਏ ਤੇ ਫਿਸ਼ ਲੈਨੇ ਔਰ ਹਮਨੇ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਏ। ਜਾਜੂ ਨੇ ਤੋ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਮਤ ਮਸਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਥਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਆ। ਤੋ ਅਭੀ ਹਮਨੇ ਪੱਤੀ ਰਹਿਨੇ, ਪੱਤੀ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਆਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੇ ਲਈ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੜ ਜਾਤਾ ਹੈ। तो अभी चाची पत्ती ढूंढ रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी मार्केट है, समझ नहीं आती। ये हमने ग्रॉसरी की हुई है थोड़ी बहुत अभी, घर में सारा सामान था बस कुछ चीज़ें ही कम थी जो चाची ने कहा ले लो, बार बार नहीं आया जाता। तो हम जरा ग्रॉसरी कर लें, ग्रॉसरी में घूम करके फिर आप। हाँ जी, तो हम आ गए हैं बिल वाली जगह पे। ये चाचू खड़े हैं, ये काउंटर है, बिल करवा रहे हैं। अभी लाइन में लगे हुए हैं हम, तो बिल करवाएं यहाँ से फ्री होके जब निकलते हैं फिर आपसे मिलते हैं। ये चाचू जी ये देखते हैं, ये पत्ती ले ली है, दही ले लिया है, उसके बाद हमने पीने के लिए हॉर्स पावर ले लिए है, हमने चने की दाल ली है, बेसन लिया है, फिश लिया है, थूम अदरक लिया है, अजवाइन चाहिए थी, सोया सॉस चाहिए था, कुछ और मसाले लिए हैं और चाट मसाला लिया और घी भी लिया है। तो ये सारा सामान हमने लिया है ग्रोसरी करने, थोड़ी बहुत ही कर ली। आए हम फिश लेने थे लेकिन ये सारी ग्रोसरी करनी पड़ी, कर ली। हमारे बिल बिल वाले बनाते हैं तो फिर अब निकल के आपके साथ। हाँ जी जी, तो हमने ग्रोसरी वगैरह कर ली थी तो अभी हम बाहर निकले हैं। अब हम जाने लगे हैं घर, बहुत ज़्यादा थक गए क्योंकि इतना बड़ा मॉल है और वहाँ से एक चीज़ लेने के लिए ना इतना ज़्यादा दूर जाना पड़ता है। तो अभी हम ग्रोसरी वगैरह करके निकले थे तो दूर से रोटी ली है और अब हम जा रहे हैं घर। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट का, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ताकि आप तक मज़ेदार वीडियो पहुँचे आहिस्ता आहिस्ता। और इंशाल्लाह अब इंशाल्लाह रेगुलर वीडियोस आएंगे और अब तो और अच्छी वीडियोस आएंगी क्योंकि पाकिस्तान जाना है हमने। तो आपको पता है पाकिस्तान में बहुत कुछ होता है दिखाने के लिए, देखने के लिए। अब वैसे भी छोटे बहन भाई की शादी, आपको दिखाएंगे हमारी तरफ शादियां कैसे होती हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनी दुआ में मुझे याद रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपने नज़दीक जो भी गरीब गुरबा सबका ख्याल रखें। अल्लाह।